खुर्सीपार आईटीआई के पीछे सड़क किनारे लगाए गए पेवर ब्लॉक को अब निकाला जा रहा है। इस स्थान पर अब नए पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। पुराने पेवर ब्लॉक को क्यों निकाला जा रहा है, यह लोगों की समझ से परे है। शहर के लोगों से मिले संपत्ति कर, यूजर चार्ज, शिक्षा उपकर, जल कर आदि की राशि का दुरुपयोग नगर निगम प्रशासन द्वारा किस तरह से किया जाता है, यह कुर्सी पर आईटीआई के पीछे सड़क किनारे लगाए जा रहे पेवर ब्लॉक को देखकर समझा जा सकता है। यहां पूर्व में लगाए गए पेवर ब्लॉक को निकाला जा रहा है, अब इसके स्थान पर नए पेवर ब्लॉक लगाने की तैयारी की जा रही है। नए पेवर ब्लॉक किन कारणों से लगाए जा रहे हैं, यह लोगों की समझ से परे है। नए लगाए जा रहे पेवर ब्लॉक की पकड़ को मजबूत करने ठेकेदार द्वारा जरूरी मटेरियल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, केवल जीरा गिट्टी डालकर पेवर ब्लॉक को रखा जा रहा है। इससे पेवर ब्लॉक के निकलने और खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। पुराने निकाले गए पेवर ब्लॉक को सड़क किनारे ही रख दिया गया है। नगर निगम प्रशासन द्वारा पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य को किस तरह से अंजाम दिया जाता है, इसे देखकर स्पष्ट हो जाता है। कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमन शील ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई के एक मुख्य सड़क में से एक सड़क जो कि जी रोड से जो आईटीआई ग्राउंड के बाजू से निकलता है, जहाँ एक किनारे वार्ड क्रमांक 38 सोनिया गांधी नगर और एक तरफ वार्ड क्रमांक 42 जो कि दोनों वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, और इस वार्ड के जस्ट आईटीआई के किनारे आप देख सकते हैं कि पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। परंतु सवाल उठता है कि यह जो पेवर ब्लॉक लग रहे हैं, इससे पहले करीब एक दो साल पहले इसी जगह पर पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य निगम प्रशासन के द्वारा किया गया था, परंतु अब वर्तमान में एक नया पेवर ब्लॉक उसी जगह पर लग रहा है, जबकि किस तरह से जनता के रुपयों की बर्बादी की जा रही है, किस तरह से जनता के सीधा सीधा आपके जनता के पैसे के बर्बादी करने के साथ साथ किस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार, मतलब आड़ लेके पैसा को बर्बादी हो रहा है, आप एक साफ अक्षरों में देख सकते हैं बिना बेस के, जबकि पहले जो बेस डाला गया था उसी के ऊपर फिर से नया पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है। और दो साल के भीतर यदि ये जो पेवर ब्लॉक जो खराब होने के नाम पे हो, या तो निम्न स्तर का लगाया गया है जिसके कारण इसे हटाया गया है, और वो जो पैसे जो जनता के कमाई या टैक्स के जो रुपए जनता के द्वारा लगाया गया था उस पेवर ब्लॉक को आप सीधा देख सकते हैं कि ये पेवर ब्लॉक जो वर्तमान में भी लगाया जा रहा है वो भी टूटना प्रारंभ कर दिया है। और दुर्भाग्य की बात है कि जो पूर्व के जो पेवर ब्लॉक लगाए गए थे, उन पेवर ब्लॉकों को या तो निम्न स्तर का लगाया गया था, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, या तो जो पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है उसे निकाल के आप देख सकते हो डस्ट के रूप में आने वाले समय में फेंका जाएगा। तो इसकी संपूर्ण जांच ये होनी चाहिए कि आखिर जो पेवर ब्लॉक लगाए गए थे वो पेवर ब्लॉक किस कंपनी के द्वारा लगाया गया था, किस ठेकेदार के द्वारा लगाया गया था, किस इंजीनियर के द्वारा इसे पास किया गया था, और अभी वर्तमान में भी जो कि चुनाव का माहौल है उसके समय में इस प्रकार का पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है, और पक्ष विपक्ष दोनों दलें शांत रूप से इस कार्य को होने को दिया जा रहा है। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा अनेक स्थानों पर पेवर ब्लॉक लगाने के कार्य को किया गया है। ज्यादातर स्थानों में लगाए गए पेवर ब्लॉक उखड़ चुके हैं या फिर टूट चुके हैं, जिन्हें फिर से लगाने के कार्य को किया जा रहा है। कार्यों की निगम अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग नहीं किए जाने की वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।